हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में कहा था, प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लाऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस आफ्टर 12th। सो आई डिसाइडेड नॉट टू मेक अ सिंगल वीडियो, आई विल डिसाइड टू मेक अ प्लेलिस्ट जिसमें हम बहुत सारी वीडियोस के साथ ये डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस आफ्टर 12th। दैट मीन्स हम एक वीडियो में सिर्फ एक ही ऑप्शन पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे और आज हम करने जा रहे हैं वन ऑफ द हॉटेस्ट सेक्टर विच इज नोन एज इंजीनियरिंग। यस, इफ यू डिसाइडेड, अगर आपने डिसाइड किया है अपना कैरियर इंजीनियरिंग में बनाने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से इंडिया में कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर हम एडमिशन ले सकते हैं, कितनी सीट्स हैं किसमें, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, और सारी चीज हम डिटेल में आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं इंडिया के टॉप 10 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ जिसमें जाना लाखों बच्चों का सपना होता है। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपको बता दूं कि हमारे जो HRD मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक संस्था बनाई हुई है जिसका नाम है NIRF। यस, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये क्या करता है, ये वेरियस पैरामीटर्स को देखते हुए, चाहे वो प्लेसमेंट सेल हो, चाहे वो R&D डिपार्टमेंट हो, एकेडमिक्स हो, और बहुत सारे पैरामीटर्स को देखते हुए ये इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज, सभी कॉलेजेस, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, आर्ट लॉ इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, उनको ये रैंकिंग देता है। और इसी के बेसिस पर हम आज देखेंगे कि NIRF ने इंडिया के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन से डिसाइड किए हैं। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पर है IIT इंदौर, इन्होंने नंबर 10 पोजीशन हासिल करी है। नंबर 9 है NIT ट्रिची, एंड इसके बाद नंबर 8 इज IIT हैदराबाद, देन नंबर 7 IIT गुवाहाटी, देन नंबर 6 IIT रुड़की, देन नंबर 5 IIT खड़गपुर, देन नंबर 4 IIT कानपुर, देन नंबर 3 IIT बॉम्बे, IIT Delhi is number 2nd. Can you guess number 1? Yes, it is IIT Madras. So, ये थे इंडिया के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिसमें एडमिशन लेने के लिए हर साल लाखों हजारों बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हुए मेहनत करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा जहां से आप NIRF के द्वारा टॉप 200 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट देख सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से नेशनल लेवल के और स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हैं जिनके द्वारा आप इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। और इस लिस्ट में जो नंबर 1 है, जो पॉपुलर है सबसे ज्यादा और जो आप जानते ही हैं, वो है JEE मेन्स। यस, JEE मेन का एग्जाम जो कि साल में 4 बार कंडक्ट कराया जाता है, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई, NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। वो अलग बात है, इस साल जो अप्रैल और मई का एग्जाम है वो ड्यू टू कोविड सिचुएशन वो पोस्टपोन हुआ है। अब इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप कौन कौन से कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, वीडियो के आगे के पोर्शन में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ लिस्ट में जो दूसरा नंबर है वो है JEE एडवांस। ये एग्जाम 7 जोनल IITs और जॉइंट एडमिशन बोर्ड की मदद से साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। जो बच्चे JEE मेंस के टॉप रैंकर्स होते हैं वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही इंडिया की
जितनी भी IITs हैं उनमें एडमिशन मिलता है। दैट मींस जिनका सपना है देश के टॉप IITs में पढ़ने का, वहां से इंजीनियरिंग करने का, तो सबसे पहले आपको JEE मेंस में टॉप रैंकर्स बनना होगा। उसके बाद आपको JEE एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तब जाके आपको आपके जो सपने हैं देश के टॉप IITs में जाने के वो पूरे होंगे। सो इस लिस्ट में जो तीसरा एग्जाम है वो है बिट सेट का, दैट इज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एडमिशन टेस्ट। हर साल बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट्स के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और इसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप बिट्स के जो तीन सेंटर हैं, जो तीन इंस्टीट्यूट्स हैं, कैंपसेस हैं, जो कि प्लानी, गोवा और हैदराबाद, बिट्स प्लानी, बिट्स गोवा, हैदराबाद में है, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट ये होता है, हर साल इसके फॉर्म अराउंड फेब में रिलीज होते हैं और अराउंड अगस्त में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, 40 क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री के, 45 क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स के, 15 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, यस, एंड 10 क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, दैट मीन्स टोटल मार्क्स हो गया 450, टोटल मार्क्स हो गया इसमें 450। ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट है और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप बिट्स के तीन कैंपसेस में एडमिशन ले सकते हो। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपको जानना होगा, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इन तीनों में 12th क्लास में इन तीनों में जो एग्रीगेट है वो 75% से अबव होना चाहिए, और इन तीनों में इंडिविजुअली 60% से आपका ऊपर स्कोर होना चाहिए। नाउ लिस्ट में जो नेक्स्ट एग्जाम है वो है JNEEEE, विच इज जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय NTA। इसका फॉर्म हर साल अराउंड मार्च में रिलीज होता है और मई में इसका एग्जाम होता है, और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप JNEEEE के द्वारा ऑफर कुछ जो BTech कोर्सेज हैं उन डिसिप्लिन्स में आप एडमिशन ले सकते हो। अगेन ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है, 3 आवर्स का एग्जाम होता है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यह है कि आपको 10+2 दैट इज 12th क्लास में 55% से अबव होने चाहिए। नाउ इस लिस्ट में जो नेक्स्ट एग्जाम है वो है AMUEEE अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। यस, जो AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो हर साल ये एग्जाम कंडक्ट करती है, और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप AMU के द्वारा कुछ कोर्सेज हैं BTech के, जो कुछ डिसिप्लिन्स हैं जो कि वो ऑफर करते हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगेन ये ऑफलाइन मोड एग्जाम है और इसका फॉर्म अराउंड मार्च में निकलता है, और इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट होता है जून में। नाउ लिस्ट में जो नेक्स्ट एग्जाम है वो है UPESAT, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग स्टडीज, जो कि देहरादून में सिचुएटेड है, उसके द्वारा हर साल ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग साइंस के जितने भी डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर कट ऑफ वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके 10th और 12th में 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगेन 3 आवर्स टेस्ट है, 3 आवर्स का टेस्ट है, 200 क्वेश्चंस आते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, और हर साल जो फॉर्म निकलता है वो अप्रैल में फॉर्म निकलता है और जून में इसका एग्जाम कंडक्ट होता है। और हाँ, इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात ये है कि JEE मेन के स्कोर के बेसिस पे भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं।
नाउ लिस्ट में जो नेक्स्ट एग्जाम है वो है VITEEE वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। अगेन ये भी एक स्टेट लेवल का एग्जाम है जो कि VITEEE के द्वारा हर साल कंडक्ट कराया जाता है। ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है, 2 hours and 30 minutes इसकी ड्यूरेशन है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि 10+2 में आपके 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए। अब इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद VITEEE की जो 4 branches हैं जो कि वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल और अमरावती में हैं, उनमें आप बीटेक के डिफरेंट डिसिप्लिन्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम हैं लाइक WBJEE, MHTCET और IPUCET, इनकी डिटेल आप ऑनलाइन जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लिया जाए, क्या प्रोसीजर रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, JEE मेंस का एग्जाम एक नेशनल लेवल का एग्जाम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसकी इंपॉर्टेंस अभी आपको पता चल जाएगी। जैसे ही आप JEE मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपको बच्चों एक काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना होता है जिसका नाम है JOSA। JOSA क्या है? ये जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, ये इंडिया के 110 टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीट को रेगुलेट करता है। इसका मतलब JEE मेंस का एग्जाम लिखने के बाद आपको आपके लिए 110 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस के दरवाजे ओपन हो जाते हैं। अब ये JOSA वर्क कैसे करता है इसको हम समझते हैं बच्चों। ऐसा समझो JOSA जो है 2 bodies से मिलकर के बना है, JEB, जॉइंट एडमिशन बोर्ड, और CSAB, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। अब ये जो JEB है, ये इंडिया की 23 टॉप IITs की सीट्स को रेगुलेट करता है। इसके अंडर 23 IITs आती हैं। अब IITs में एडमिशन IIT एडवांस, JEE एडवांस के थ्रू होता है। मतलब कि जैसे ही आप JEE मेंस में टॉप रैंक हासिल करते हो उसके बाद आपको JEE एडवांस का एग्जाम लिखना होता है और JEE एडवांस के एग्जाम के बाद जो JEB है वो आपको इंडिया की IITs में सीट प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू योर रैंक। CSAB के अंडर क्या आता है बच्चों? 31 NITs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 26 IIITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, 29 GFTIs, दैट मींस गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और 1 IIEST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो इस तरीके से बच्चों ये बोर्ड पूरा काम करता है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। दैट मींस JEE मेंस का एग्जाम लिखने के बाद डायरेक्ट IIT में एडमिशन नहीं मिलता है, उसके लिए आपको JEE एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है और जो JEB है वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग सीट प्रोवाइड करेगा। और जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक NITs, IIITs, IIEST, GFTIs, उसमें आपको JEE मेन की रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही एडमिशन मिलेगा। अब बच्चों एक और काउंसलिंग है जिसका नाम है GAC, दिल्ली, GAC, जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग। इसके अंडर बच्चों दिल्ली के 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं जिनका नाम है NSUT, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, DTU, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि पहले DCE के नाम से मशहूर था, और IIITD, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, और IGDTUW, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। इन 4 कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अगेन आपको एक काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना होता है जिसका नाम है JEC, जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग। हाँ, वो अलग बात है, आपको इनमें भी एडमिशन JEE मेंस की रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, लेकिन ये JOSA से अलग है। JOSA में आपको अलग रजिस्ट्रेशन करना होता है और JEC में आपको 1500 के चार्ज के साथ अलग रजिस्ट्रेशन करना होता है जिसमें ये 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। सो आई होप अब आपको चीजें समझ में आई होंगी कि JEE मेंस के बाद किस कॉलेज में जाने का क्या रास्ता है, किस तरीके से आप जाएंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों सीट एलोकेशन की, मतलब कि
किस कॉलेज में, किस इंस्टीट्यूट्स में कितनी सीट्स हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं IITs की। देश में 23 IITs हैं और बच्चों 23 IITs में जो टोटल सीट्स हैं वो है बच्चों 16,053 सीट्स हैं। उसके बाद नंबर आता है बच्चों NITs का, तो देश में 31 NITs हैं और उन सभी NITs में जो टोटल सीट्स हैं वो है 23,506। उसके बाद नंबर आता है बच्चों ट्रिपल आईटीज का, तो ट्रिपल आईटीज में जो टोटल सीट्स हैं बच्चों वो है 5643 एंड देन GFTIs, उसमें टोटल सीट है बच्चों 5620। उसके बाद जैक के अंदर जो चार इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने आपको बताए NSUT, DTU, ट्रिपल ITD, IGDTUW, इन चारों कॉलेजेस में मिलाकर के जो टोटल सीट्स हैं बच्चों वो है 5448। तो इस तरीके से इतनी सीट्स हमारे देश में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं। इसके साथ ही बच्चों हमारे देश में 5 ट्रिपल आईटीज और हैं जिनका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से अलग हैं बच्चों, और ये 5 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैं, हैदराबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, पुणे और रायपुर। इन सभी में एडमिशन बच्चों डायरेक्ट JEE मेंस की रैंकिंग के अकॉर्डिंग होता है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या रैंकिंग है, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब बच्चों मैं यहाँ पे आपसे स्पेशली एक और इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी की बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है जाधवपुर यूनिवर्सिटी, जो कि कोलकाता में है। बहुत ही कम लोग इससे अवेयर हैं, लेकिन बच्चों इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो ये सबका बाप है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कैंपस प्लेसमेंट एंड पैकेज। बहुत ही जबरदस्त पैकेज यहाँ से जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसकी फीस स्ट्रक्चर की, तो बच्चों इसकी फीस स्ट्रक्चर बहुत ही नॉमिनल है, अराउंड 12,000 to 15,000 इसकी टोटल कोर्स की फीस है। और अगर आपने इसके कंप्यूटर साइंस के पैकेजेस देख लिए तो आपके होश उड़ जाएंगे, और इसके पैकेजेस अराउंड ऑन एन एवरेज जाते हैं बच्चों 20 से 25 लाख रुपए तक इसके पैकेजेस गए हैं। अब मैं बात करूं तो इसमें एडमिशन कैसे होता है बच्चों, तो इसमें एडमिशन JEE मेंस के रैंकिंग के बेसिस पर नहीं होता। इसमें जो एग्जाम होता है वो होता है बच्चों WBJEE, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये कोलकाता, ये बंगाल का एक स्टेट लेवल का एग्जाम है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, हर स्टेट अपना एक एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो जाधवपुर यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको WBJEE का एग्जाम क्लियर करना होगा। बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया होते हैं बच्चों इसके। PCM में आपके 60% से अबव होने चाहिए एग्रीगेट टोटल, और मैथमेटिक्स में इंडिविजुअली 60% से अबव होना चाहिए। ऑफलाइन बेस्ड एग्जाम ये होता है, और इसका फॉर्म अराउंड जैन में रिलीज होता है और जुलाई में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर NIRF रैंकिंग की बात करूं तो बच्चों 17th रैंक इसको NIRF ने दी है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों, जैसा कि आप जानते हो इंडिया में कुछ अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं, जैसे कि थापर यूनिवर्सिटी, JP यूनिवर्सिटी और अपना MIT यूनिवर्सिटी, LPU, मणिपाल यूनिवर्सिटी, शिव नादर यूनिवर्सिटी। तो आप इन सभी यूनिवर्सिटीज़ की साइट्स पर जाकर के अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसमेंट सब कुछ चेक करके कि कैसा प्लेसमेंट रहा है, क्या रिकॉर्ड रहा है, उसके बेसिस पर भी आप अपने कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही रोकता हूं, और आई होप आपको इस वीडियो से बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कौन कौन से एग्ज़ाम हमें देने होते हैं, कैसे कैसे किन कॉलेज में एडमिशन लिया जाता है। और इसी के साथ ही इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो वेरी सून मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू।